हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड मैंगो और ओरियो शॉर्ट्स, जो कि समर में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम चिल चिल, और ये सबको ही बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक गिलास दूध का यूज कर रही हूँ। पहले हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जितने दूध गर्म हो रहा है इतने हम कस्टर्ड मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है। आपको बिल्कुल ठंडा ही दूध का यूज करना है ताकि जो हमारा कस्टर्ड है उसमें लम्स ना पड़े। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस को कर देंगे सिम और दूध को मिक्स हिलाते हुए हम सारा कस्टर्ड इसके अंदर डाल देंगे। हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर 4 चम्मच डालूंगी चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज्यादा, जितना मीठा आपको रखना है। अब हम गैस को हाई करके इसमें एक उबाल आने देंगे। इसमें एक उबाल आ गया है और चीनी जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब हम इसे एक प्लेट से ढककर रूम टेम्परेचर तक आने देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। प्लेट हमने इसलिए ढकी है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। हमारा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए। हमारा कस्टर्ड एकदम ठंडा हो गया, एकदम चिल्ड और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। सबसे पहले हम बनाएंगे ओरियो कस्टर्ड शॉर्ट। जो ओरियो बिस्किट का क्रीम वाला पार्ट था उसको हमने अलग कर लिया है, जो प्लेन पार्ट था उसको हमने अलग करके क्रश कर लिया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा घी, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर दूध या घी कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक ग्लास जिसके अंदर नीचे हम इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए नीचे दबा देंगे। अच्छे से हमने इसको दबा दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कस्टर्ड। जो बिस्किट हमने रखे थे बचा के क्रीम वाले, उनको छोटा छोटा तोड़ के हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर से हम इसके अंदर डालेंगे कस्टर्ड। अब एक बिस्किट के 4 पार्ट करके हम इस तरीके से साइडों में लगा देंगे। ऊपर से हम डालेंगे चॉकलेट सॉस। ये होममेड चॉकलेट सॉस है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बनाया है। और ऊपर से डाल देंगे ये बचा हुआ ओरियो जो हमने क्रश करके रखा था वो। ओरियो कस्टर्ड शॉर्ट बनकर हो गया है एकदम रेडी। इसे आप चिल चिल सर्व कीजिए, पीने में खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड शॉर्ट। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैंगो को बारीक बारीक काट लिया है क्यूब्स में और थोड़े से मैंगो को मैंने बारीक पीस लिया है। तो सबसे पहले हम एक ग्लास में डालेंगे मैंगो क्यूब्स, उसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड, हम इसके ऊपर डालेंगे मैंगो प्यूरी, डालने के बाद अब हम ऊपर से फिर से इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कस्टर्ड। अब हम सबसे ऊपर रखेंगे मैंगो क्यूब्स जो हमने कट करके रखी थी और हमारा मैंगो शॉर्ट्स भी रेडी हो गया है। तो हमारा मैंगो ओरियो कस्टर्ड शॉर्ट्स बनकर रेडी हो गया है। आप इसे चिल चिल सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को भी और सबको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।